भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बॉक्सर बिजेंद्र सिंह हैं। सर, जिस तरीके से कल गंगा नदी में विसर्जित करने की बात कहनी पड़ी पहलवानों को, इसे आप कैसे देखते हैं मेडल को? जी, मेडल बड़ी मुश्किल से आते हैं और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये अपना इतना कीमती मेडल गंगा नदी में बहाएं, बिकॉज ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं और इनके लिए अपना इतना कीमती मेडल कहते कि फेंक देना, तो मैं नहीं मानता कि जायज़ होगा। इसी बीच में जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के हवाले से एक खबर आई कि ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और ब्रजभूषण सरन सिंह ने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत हैं, कोई आधार हैं, तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि थोड़े दिन में क्लीन चिट भी देंगे लोग, बिकॉज सब मिले हुए हैं ना सर, अभी तो सबको मालूम है, बिकॉज थोड़े दिन में क्लीन चिट भी होगी और इसको कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा इन दोनों का। लेकिन जो एलिगेशन जो महिला रेस्टोरेंट ने लगाए थे वो अभी वैसे के वैसे हैं और आगे भी रहेंगे, तो अगर आप सब चीज़ें ठीक ठाक हों तो कहीं ना कहीं कहते कि दिक्कत तो है ना सर, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम तो होगी ना इस चीज़ से। कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि जब मेडल जीत के आई थी, ये प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री कि अभी तक कोई टिप्पणी इस मामले पर नहीं आई है? तो क्यों सर, क्यों भाई, सवाल तो ये बनता है कि क्यों। लेकिन अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, लाइक मेरे एक सवाल हैं अपने, तो पूछते हैं कि अगर ब्रजभूषण जी किसी दूसरी जाति से ताल्लुकात रखते हैं, अनुसूचित जाति है, दूसरी एक्स वाई जेड से, तो क्या न्याय होता? फिर एक दो सवाल और उन्होंने भेजे, क्या ये मुस्लिम होते तो क्या न्याय होता? तो क्या ये बीजेपी के सांसद नहीं, किसी दूसरी पार्टी के सांसद होते क्या न्याय होता? तो एक सर्वे करवाइएगा, आपको पता लगेगा इसके आपके न्यूज़ के माध्यम से ना, कि ये दो तीन सवाल रख के तो बीच में क्या निकल के आता है। तो हम भी ये पूछते हैं कि बोले भैया, बिकॉज ये एक बहुत कहते हैं बड़े गद्दावर नेता हैं, बाहुबली जिनको माना जाता है, और मेरे को उम्मीद नहीं है कि न्याय होगा लड़कियों के साथ। आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस की मंशा पर आपको कोई एतराज़ है, कुछ सवालिया निशान है जिस तरीके से क्लीन चिट की बात कही जा रही है? जी देखिए, मैं तो पहलवानों के साथ हूँ, बिकॉज मैंने देखा है उनको ट्रेनिंग करते हुए, मेरे साथ कैंप में रही हैं, तो मैं तो उनके साथ हूँ भैया, बिकॉज अगर उन्होंने कहा कि हम इस न्याय जो भी प्रक्रिया इससे खुश हैं, तो आई थिंक, मैं नहीं मानता कि वो हरिद्वार में जाती अपने मेडल बहाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बातचीत। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ अरुण कुमार, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।